हेलो गाइस, हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड। हाय गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो कि हमारा है अंबेर पॉइंट, अंबेर फोर्ट, जो कि फोर्ट है और उसको घूमने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम उसे ही डिस्कवर कर लेते हैं। आते वक्त हम सिटी पैलेस और बाबू मार्केट और हवा महल ये सब घूमते हुए आएंगे। अच्छा बुच्चो, एक बात बताओ, ये टुक टुक क्या होता है? अरे टुक टुक क्या, टुक टुक पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे ऑटो आप दिल्ली में यूज करते हो, यहाँ पे भी टुक टुक होता है। ओके, तो टुक टुक बोलते हैं, टुक टुक हर जगह टुक टुक होता है, बाहर कहीं चले जाओ ऐसे। ओके, आप फॉरेन में जाते हो वहाँ पे टुक टुक ही बोलते हैं। टुक टुक ही बोलते हैं तो, क्योंकि बहुत रश रहता है और काफी क्राउड है, तो गाड़ी हम जो अपना जंतर मंतर पार्किंग में ही, हवा महल की पार्किंग में ही पार्क कर देंगे। और अच्छा ठीक है, ये आमेर फोर्ट इधर जाएगा, आमेर फोर्ट, आमेर, और यहाँ हो रही है व्लॉग अपलोडिंग। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ बेस्ट विजिट टाइम है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्योंकि हम दिसंबर में आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, हमें स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी आएँ तो स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस है यहाँ की, ये वाला नहीं, ये तो मेरे पास है, गैम्बल होता है, गैम्बल। देखिए नज़ारा यहाँ का, और हमने कर लिया है गाइड, वो हमें सब गाइड बताएंगे, हमें अपनी सारी चीज़ें बताएंगे अंबेर पैलेस की। तो हमने सारे सरकार की देने सर, पिछले महीने पास कर गई तो लाइसेंस किया है। अच्छा, तो कहना सरकार तो चले, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, बताइए आपके बारे में। पहले तो वेलकम है हमारे आमेर महल में, संजीव गुरवानी मेरा नाम है, जो आपको पहले घुमाने वाला हूँ। अंबेर महल के नाम से जाना गया है ये किला, 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। तो सबसे पहले आए राजा मान सिंह, ये थे 16वीं शताब्दी में अकबर बादशाह के सेनापति जिन्होंने शुरू किया। उनके बाद उनके बेटे आए जय सिंह, जिनके टाइम पे यहाँ पे काम चल रहा था। और आखिरी नंबर पे आए हैं सवाई जय सिंह, जिन्होंने इतना बड़ा महल बनाने के बाद जयपुर का जो नाम है, जयपुर जो सिटी है, वो उसी राजा के नाम पे बनाई गई, सवाई जय सिंह के नाम पर। इसलिए महल को बनने में जो टोटल टाइम लगा वो था 137 साल। तो ये 1590 का महल है सर, हाँ, और 1727 में ये महल बन के कम्प्लीट हुआ। शुरू से ही राजा रानी का थोड़ा पर्दा सिस्टम हुआ करता था, रानी आसानी से राजा के सामने नहीं जाती थी। तो ये एक तरफ राजाओं का सिस्टम था लाल सदी में, और एक तरफ रानी रानियां वहाँ पर्दों में रहती थी, बीच में था स्टेज, राजस्थान के गांव के लेडीज लोग हैं, लोग नृत्य डांस प्रोग्राम वो यहाँ होता था, उसे स्वागत करते।
मंगोली लैंग्वेज का है तो एलिफेंट पार्किंग मोस्ट ऑफ द। और आप लोगों ने मूवी देखा जोधा अकबर, जिसमें जोधा भाई हमारे यहीं की राजकुमारी थी। अकबर बादशाह जब आए थे उनको लेने के लिए तो उनके लिए स्पेशली मस्जिद बनाई, उनके पैर और नमाज पढ़ने के लिए अकबरी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। तो लास्ट कॉर्नर पे सर देख रहे दीवार के जस्ट नीचे दक्षिण डोम पर होता है सेकंड आर्किटेक्ट की मेमोरी बना था मोहन बाग। मोहन बाग को सभी लोग सैफ्रन गार्डन भी बोलते हैं, केसर बाग। तो जब राजाओं ने केसर उगाने का ट्राई तो किया तो क्लाइमेट में सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए मोहन बगीचा और केसर बाग दोनों ये है जो डे टाइम पे बंद है और इवनिंग में ओपन है। यहाँ एक शो होता है लाइट एंड साउंड शो, तो बैठ के आप पूरा लाइटिंग और म्यूजिक जी अभी तो टूट गई उस टाइम का था वो मिंट फैक्ट्री। ओहो ये टूटी पड़ी है जो बनते थे सब्जियां होता था जिसे हिंदी में टकसाल कहते हैं। और हर शहर हर गांव में छोटे मोटे मार्केट होते हैं जैसे गांव का बाजार ही होगा। मैं सबसे ज़्यादा बेची जा रही हैं जो आज आपको पूरे जयपुर में हर जगह मिलेंगी क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन ज़माना है, घर बैठे भी अच्छी मिल जाती है बनती है। तो रजैया मैंने आपको बताया 100 ग्राम की 100 ग्राम वजन होता है, साइज में सिंगल और डबल और पैकिंग आपके रुमाल का। दूसरा है आप सभी लोगों के लिए 10 ग्राम के जूते जिनका वजन सिर्फ 10 से 30 ग्राम होता है। और तीसरी चीज़ होती है मैम आपके लिए और मदर के लिए सूट और साड़ी जो एक अंगूठी में पूरी साड़ी अंगूठी में से निकल जाती है और आपने सुना नहीं होगा एक माचिस की डिब्बी में पूरी साड़ी पैक हो जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ हर घर में बचते हैं नजर। अच्छा अभी तो आपके पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम को भी टाइम मिलेगा तो लाइव वो सब चीज़ें चलती हम आपको देखेंगे और अभी भी देखेंगे जब एग्जिट होंगे अगर हो 2-5 मिनट का समय तो देखेंगे। जो बांग्लादेश है वहाँ से यहाँ लाने पर शीला देवी के नाम से जानी जाती है। गेट देख रहे हैं आप पूरा सिल्वर चांदी की तरफ बनाया हुआ गेट है, उसमें दुर्गा और काली के सारे स्वरूप देखने को मिलेंगे। मार्बल सब बाद में लगा, पहले पहाड़ी पत्थर जिसे ग्रेनाइट कहते हैं उस पे पूरा मंदिर। उनको बने 270 साल हुए, वो राजा जय सिंह ने लास्ट के जो राजा थे उन्होंने 1757 में शुरुआत की थी। लेकिन ये गांव ये जगह राजा महाराजा से भी पहले जो आदिवासी युग थे तब से हमारा चलता आ रहा है, इसका नाम है अम्बल जो कि 1000 नौबत खाना देखिए 10 बजे तक ये नौबत खाना जो है आप लोगों के लिए बजाया जाए। देख लिया है अंबर फोर्ट, अब हम जा रहे हैं मीना बाजार की ओर। जो हमारे गाइड भाई हैं उन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि आप एक बार स्माइलिंग पे मैं वो खा रही हूँ ना कैंडी खा रही हूँ तो कैंडी दिखेगी मेरी तो गाइड भैया ने बोला है कि मैं आपको मीना बाजार भी दिखा देता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि गाइड भैया ने हमें पार्टी ले ले भाई साहब छोड़ मत। हाँ जी कैसे लगा? चलो आ जाओ गेट डाउन करो उतार ले। क्यों? मैं ऐसे ऐसे किया था। अच्छा हेलो गाइस, हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो जल महल है और यहाँ पे बाहर सारी मार्केट भी लगी हुई है, आप यहाँ से शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। ये लो जी मोना शुरू हो गई है राजस्थानी कल्चरल ड्रेस पहनने को, इसमें फोटो करा रही है अभी। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है? वो इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि वो छोटी सी बन जाए आपको। हाँ यस ये वाली हाँ? नहीं नहीं यार इसके लिए पहनाते नहीं। कितनी देर में मिलेंगे? फोटो तो बन गया। एक सेकंड इधर आ, इधर आ, ब्लैक देना इसकी, ब्लैक करो कीप लगा कीप। तू कट लेने बेटे, बेटा वो देख सामने वाली ये वाली लेना।
दीदी नो आवा वाला अच्छा लगेगा, पहला वाला नहीं था यार, पीकॉक बने हुए दिखाना। हाँ फिर वो कटवा दो भैया, इसका भी करो क्रोजी। हाँ भैया इस तरफ आ जाना, इधर आ दोनों बेटा, वीडियो बना रहे हैं। आप तो पहाड़ी से राजस्थानी हो गए। ओ वाओ, ओ सी डैडी। ओ वाओ, अभी दिलाते बहुत सुंदर लग रहे हो भैया, मगड़े हैं इतना तो उन्हें शादी में भी नहीं लगे थे, मगड़े हैं ऐसे पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं बताओ। अच्छा आपको मैंने गुस्सा दिलाया तो आप कैसे करोगे, आपकी मेरी लड़ाई हुई तो आप कैसे करोगे। चलो जल महल में हम कुछ ही देर रुके और फिर हमने वहाँ पर विंडो शॉपिंग की। विंडो शॉपिंग में काफ़ी एक्सेसरीज थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कुछ बाय कर ली थी घर के लिए भी और मुझे अच्छा लगा, बजट फ्रेंडली था। फिर हमने वहाँ की फॉग ड्रेस पहन कर फोटो पिक्चर क्लिक करवाई, वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हेलो गाइस, शाम के बज गए 6:15, पूरा दिन हमें निकल गए एक ही पॉइंट पर अजमेर, क्योंकि अजमेर पॉइंट बहुत, अजमेर जो फोर्ट था, हाँ आमेर फोर्ट जो है वो बहुत ही बड़ा है, उसको हम पूरा घूमने में हमें पूरा टाइम लग गया था और फिर हमने गाइड भी कर लिया था, तो गाइड से हमें बहुत हेल्प मिली, उन्होंने हमें सवा महल। और यहाँ पे देखो मार्केट भी है, काफ़ी एक्सप्लोर करने के लिए है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको रजाई, जयपुरी साड़ी, जयपुरी कुर्ती, बहुत जयपुरी तो आपको हर चीज़ में मिलेगा। जयपुरी, जयपुर आओगे तो आपको जयपुरी कुछ लेके ही जाओगे, तो अच्छा है यहाँ पे चीज़ें। और यहाँ पे जूतियाँ बहुत लेदर की जूतियाँ जो होती हैं, जूते जो होते हैं वो काफ़ी फेमस हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं यहाँ पर। देखो जी क्या व्यू है, ये है हवा महल, ये देखो हवा महल, वेरी नाइस हवा महल, पर हवा तो दिख नहीं मुझे यहाँ, हवा महल में हवा ही नहीं है। तो जब हवा चलती है तो इसमें हवा लगती है चारों तरफ से। अच्छा जी, वो तो जाके पता चलेगा। और लोगों देखो किस तरह क्रेजी है, देखो कितनी भीड़ है। हाँ ये तो है, भीड़ तो बहुत है भैया। ओह माय गॉड, आज के सारे पॉइंट्स कवर करके हम आ गए हैं अपने होटल, और प्लीज़ अपना प्यार ऐसे देते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।